से निकले हो भाई? हरियाणा। चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूँ ऊंची ऊंची इमारतों से। मुंबई का ट्रैफिक कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। फाइनली हम मुंबई। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है आदित्य सरीन। जैसे कि आप जानते ही है कि मेरी एक सीरीज चल रही है जहाँ पे मैं इनक्रेडिबल इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए निकला हूँ। बहुत लोगों का मेरे पर मैसेज आ रहा था कि आदित्य तो सूरत गया है बट वडोदरा अहमदाबाद क्यों नहीं गया। देखो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर मैं एक ही स्टेट में टाइम लगाऊंगा ना तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता, और एक स्टेट को एक्सप्लोर करने में मुझे कम से कम एक दो महीने लग जाएंगे। इस बार का प्लान ये है कि मैं स्टेट वाइज एक एक सिटी को उठा रहा हूँ। जैसे कि इस बार सूरत को उठाया, फिर मैं मुंबई में महाराष्ट्र को उठाऊंगा, लोनावला, फिर वहीं से हम गोवा निकल जाएंगे। ये इस बार का प्लान है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट वाइज मैं लोगों के कल्चर, उनकी लैंग्वेज के बारे में जान सकूँ, और जब मैं अगली बार गुजरात में आऊँगा ताकि एक दो महीना उसमें लगाऊं और अच्छी तरह एक्सप्लोर करूं। सूरत में एक बीच है जिसका नाम है दुमास बीच, बहुत फेमस है, वही एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। वहीं से मैं चले जाऊंगा मुंबई की तरफ। तो बैग सारा मैंने बाइक पे लगा दिया है, बस अभी ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे अपने सूरत को एक्सप्लोर करने के लिए, साथ ही साथ मुंबई की तरफ। तो जो वीडियो में नया आया ना, प्लीज़ व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। अगर पसंद आ रही वीडियो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बस यही चाहूँगा। तैयार हो गया हूँ, अब निकलते हैं यहाँ से। कुछ सामान रह तो नहीं गया, ये देख लो। नहीं, गर्मी बहुत है सूरत में, जिसकी वजह से पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। और जब सामान आप लगाते हो ना तो वैसे ही पसीना आ जाता है। पहले मैं दुमास बीच जा रहा हूँ जो यहाँ से 22 मिनट की दूरी पे है और ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर दूर है। फिर मुझे वापस आना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर जो आना जाना होगा ना, तो ये वापस आना पड़ेगा मुझे मुंबई हाईवे पकड़ने के लिए। ये मेन हाईवे है बट यहाँ पे बहुत मिट्टी है, बहुत। मैंने जहाँ बाइक पार्क की थी वहाँ पे जब मैं सुबह आया तो बाइक के ऊपर इतनी मिट्टी थी, इतनी मिट्टी। सूरत में भी मिट्टी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा मिट्टी है। और निकलते निकलते 10:30 बज गए। मेरा प्लान वैसे ये था कि मैं 8:30 बजे दुमास बीच के लिए निकल जाऊं, बट मुंबई जो है यहाँ से ऑलमोस्ट 6 घंटे की दूरी पे है। तो अगर मैं 12 बजे भी वहाँ से निकलता दुमास से तो 6:30 बजे तक मैं मुंबई पहुँच जाऊँगा। रात को ये बिल्डिंग इतनी आलीशान लग रही थी ना, इतनी लाइटिंग जो की थी, लाइटनिंग जो की थी ना इस बिल्डिंग में, बहुत अच्छी थी। ये एयरपोर्ट रोड है, यहाँ से रास्ता है, निकल जाएगा यहाँ से बाइक, इधर साइड निकल जाएगा बाइक। देख रहे हो यहाँ पे ये एक्टिविटी कर सकते हो, पर हम अपनी बाइक ही चला लेंगे। जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ पे चलते हैं, वहाँ तक चलते हैं। बैट बॉल खेल रहे हैं यार बंदे। Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, you grow hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. तो बस यही था दुमास बीच। खाना खा सकते हो, नारियल पानी पी सकते हो। मैंने अभी खाना खाया तो मेरा कुछ खाने का मन नहीं है अभी। अच्छा हुआ मैं बैग लेके आ गया, नहीं तो मैं पहले सोच रहा था पहले अकेला आ जाता हूँ, मैं बिना बैग लिए आ जाता हूँ, फिर होटल पहुँच के फिर से बैग ले लूँगा। बिल्कुल सही डिसीज़न था। यहाँ पे आप बैग लेके आओ, बीच तक अपनी बाइक को लेके जा सकते हो। अब निकलते हैं हम अपने मुंबई की तरफ। मुंबई का रास्ता ऑलमोस्ट यहाँ से 5.5 घंटे का है और 280 किलोमीटर है लगभग। सीधा जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे सूरत, राइट साइड में। अब हम निकलते हैं मुंबई की तरफ। गर्मी बहुत हो रही है यार, बहुत ज़्यादा धूप तेज है।
पसीना निकल गया है, मेरा पूरा पीठ मेरा पसीना ही पसीना है। और साथ ही साथ जो मैंने लैपटॉप बैग लाइक कंधे में बांधा हुआ है ना, उसकी वजह से और प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसकी वजह से ही ज़्यादा पसीना आ रहा है। इतनी देर से पेट्रोल पम्प ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, जो भी पेट्रोल पम्प है उसमें पेट्रोल है ही नहीं, पहली बार है कि पेट्रोल पम्प में पेट्रोल ही नहीं है, सिर्फ डीजल है। पता नहीं यहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर जी पेट्रोल मिल जाएगा ना? हाँ पेट्रोल है, थैंक गॉड। पीछे हर जगह डीजल मिल रहा था। डीजल पेट्रोल था ही नहीं पीछे। यहाँ पे कितने रुपए है? 92। यहाँ पे ज़्यादा सस्ता है यार, 96 ना। अच्छा 96। हरियाणा, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। उदयपुर रुका था, दिल्ली टू उदयपुर, फिर सूरत, अब मुंबई, गोवा। नहीं अब मैं अकेले जाता हूँ, आगे करूँ? सूरत के लोग बहुत अच्छे हैं, मैंने जिनसे भी अगर रास्ता पूछा या मैंने ये पूछा कि अच्छा यहाँ पे खाने में क्या मिल सकता है, तो बड़े प्यार से आंसर देते हैं, लाइक होता ना स्वीटनेस अच्छी लगती है उनकी आवाज़ में। वहाँ से मुड़ते हैं राइट, ताकि जल्दी से हम पहुँच सकें मुंबई। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या पार्ट अच्छा लगा, इससे हमारे चैनल की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, रीच बढ़ाएगा, तो कर दीजिएगा और इससे इससे मेरा बड़ा फ़ायदा होगा। नारियल पानी पीते, एक नारियल पानी। थैंक यू दी, थैंक यू। ये है नारियल पानी जो हम पी रहे हैं, 40 रुपये का नारियल पानी है। बाइक अपनी यहाँ पे खड़ी हुई मुंबई हाईवे में, और मुंबई मुंबई अभी भी यहाँ से 230 किलोमीटर दूर दिखा रहा है। हाँ गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर। ठीक है, दी बड़ी अच्छी थी, पूछ रही थी कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो, और साथ ही साथ ये भी पूछा कि चैनल का नाम क्या, हम आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी दूंगी, बड़ा अच्छा लगता है। फिर वो वीडियो देखने लग गए मेरे सामने ही। अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। नारियल पानी पी के ना बहुत राहत मिली है, क्योंकि गर्मी से ना बेहाल होता जा रहा था, बहुत बुरा हाल हो गया था। नारियल पानी वो भी मैंने एक पीना था, दो पी गया। भाई मारुति 800 को कितना मेंटेन करके रखा है इन्होंने यार, ये देख रहो, और इसमें 5 बंदे बैठे हुए हैं और ये आराम से एक लड़की चला रही है 90 की स्पीड में, 90-100 कितनी मेंटेन करके रखा है यार। एसी नहीं चल रहा होगा बट बाकी सब कुछ इन्होंने सही करके रखा है। KTM ड्यूक 200 को अगर सामान रखा हो ना, तो इतना रोड से चिपक के भागती है ना ये बाइक, इतना रोड से चिपक के चलती है और उसको भगाने में मज़ा आ जाता है। अभी मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट है ये रोड के साथ इतना चिपक के चल रही है ना यार, क्योंकि सामान भी पीछे है, लगेज पूरा टांगा हुआ है, सैडल बैग सैडल स्टे के साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। थोड़ी सीट इसकी टाइट है बट मुझे अब थोड़ी आदत हो गई तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट लोग कहते हैं कि सीट बहुत टाइट है, लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल नहीं है, वो तो मैं खुद भी कहता हूँ, बट मुझे अब आदत हो चुकी है। इस रोड पर ट्रक बहुत चल रहे हैं, इस वजह से ना जाम बहुत लग रहा है। धीरे धीरे स्पीड, धीरे धीरे बाइक चल निकल रही है, एवरेज स्पीड जो है ना 20-25 की है बस, बट हम बीच में से निकल जाए ना, बीच में से निकल जाते हैं। ये राइड मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी, ये राइड मेरे लिए अपने आप को जानने की, अपनी लिमिट्स को जानने की, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन थे दिमाग में, जो राइड करते हो ना तब तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके सवाल भी तुम्हें बाइक के दौरान ही आता है, और मस्ट नीडेड ब्रेक था मेरे लिए। मेरी क्या है, क्या ये है, क्या ये क्या है,
क्या है ये? खाने का है ये? क्या है ये? चीकू है। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो पकड़ो पकड़ो। नहीं 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 नहीं, मुझे लगा कुछ और है। थैंक यू जी। चीकू सही है ये? यहीं पे उगता है? यहीं पे उगाते हो? यहीं पे उगाते हैं ना? अच्छा ओके, थैंक यू। यहाँ का चीकू जो है अंडे के आकार का है। मुझे एक बार को लगा कि कुछ बेच रहे हैं अंडे टाइप का, बट यहाँ पे बैठ के बेचना भाई हिम्मत वाला काम है। कुछ खाने के लिए रुका हूँ, आलू पेटी यहाँ से। आलू पेटी खाऊंगा फिर आगे निकलूंगा यहाँ से। बहुत भूख लगी थी तो मुझे लगा थोड़ा यहाँ पे रुक जाना चाहिए, कॉफ़ी पी लूँ और अमूल कॉफ़ी और पैटी खा के फिर यहाँ से निकलेंगे। तो बहुत भूख है यहाँ पर, बहुत पसीने निकल रहा है। तो ये आलू पैटी और ये है अमूल कूल। भाई टाटा नैनो अभी भी चलती है, ये देखो सही लग रही है, बड़ी क्लासिक ब्लू कलर में। 70-80 की स्पीड तो ये भी चल रही होगी आराम से। एक छोटा सा पानी का ब्रेक लेने के लिए उठ रहा हूँ, बहुत हालत ख़राब हो गई, बाल भी ख़राब हो रहे हैं आई नो। बहुत गर्मी है भाई। फाइनली हम मुंबई पहुँच गए हैं, फाइनली। ओ इतनी ऊंची ऊंची मारते हैं ना, एक चारों तरफ से मैं घिरा हुआ हूँ ऊंची ऊंची इमारतों से। और ये मेट्रो यहाँ पे आपको पीली पट्टी और काले कवर के ऑटो मिलेंगे। ओ भाई साहब ट्रैफिक, मुंबई का ट्रैफिक। कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं भाई, कि बहुत ज़्यादा ही जाम है यार, पसीने निकल गए। बहुत गर्मी है मुंबई में तो यार, पसीना पसीना होगा मेरे, मुझे ऐसा फील हो रहा है यार कहाँ तो पसीना जा रहा है मेरे। सामने की बिल्डिंग देखो, जो पांच इमारतें खड़ी हैं, पांच बिल्डिंग, इट्स सो ह्यूज यार, बहुत बड़ी है। और ये फ्लाईओवर के बिल्कुल सामने आ रही है ना, इसलिए बहुत अच्छी लग रही है। मैं अभी हूँ अपने बुआ के घर में, गोरेगांव ईस्ट में रहती हैं, एंड यहाँ पे मैं 2 दिन रुकने वाला हूँ और मुंबई को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, अगर आप देख रहे हो सूरत से गुजरात, दिल्ली से मुंबई आ चुका हूँ मैं और आगे भी जाना है हमें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इससे रीच बढ़ती है और हमें ज़रूर फ़ायदा होगा, चैनल की ग्रोथ होगी। तो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ कर दीजिएगा, इतनी रिक्वेस्ट है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ जब मैं आपको मुंबई को एक्सप्लोर करूँगा, वो भी वीडियो जल्दी आने वाली है, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना, कभी कभी ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस नहीं करते आप तक वीडियो पहुँचती नहीं है, तो कर लीजिएगा। चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय।